स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भभुआ से आरजेडी विधायक भरत बिंद ने पाला बदल लिया है। विधायक भरत बिंद ने थामा बीजेपी का दामन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ पहुंचे विधानसभा। बिहार से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। भभुआ से आरजेडी विधायक भरत बिंद ने पाला बदल लिया है। विधायक भरत बिंद ने बीजेपी का दामन थामा है। ये बड़ी खबर, आरजेडी के लिए झटका। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की गाड़ी में बैठकर पहुंचे विधानसभा और अब बीजेपी के तरफ से वो कैंडिडेट बन गए हैं। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भभुआ से आरजेडी विधायक भरत बिंद ने पाला बदल लिया है। तो ये बड़ी खबर, बिहार से आरजेडी के कैंडिडेट विधायक भरत बिंद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की गाड़ी में बैठकर विधानसभा पहुंचे हैं और बीजेपी का दामन उन्होंने थामा। बिहार से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, आरजेडी से जुड़ी ये खबर, जहां पर भभुआ से आरजेडी विधायक है भरत बिंद, जिन्होंने पाला बदल लिया है और अब वो बीजेपी के खेमे में शामिल होने जा रहे हैं। विधायक भरत बिंद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की गाड़ी में बैठकर वो विधानसभा पहुंचे हैं। तो बिहार से इस वक्त ये बड़ी खबर, आरजेडी के लिए बड़ा झटका। भभुआ से आरजेडी विधायक है भरत बिंद, जिन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो विधायक भरत बिंद ने बीजेपी का दामन थामा और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की गाड़ी में बैठकर वो विधानसभा पहुंचे हैं। घूम रहे हैं, पार्टी के नेता भाग रहे हैं। पार्टी का नेता नहीं भाग रहे हैं, पार्टी में जो कुछ लोग लोभी टाइप के थे वह भाग रहे हैं। पार्टी का नेता तो हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू है, जिनके साथ बिहार के अपार जन समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी कुकर्म पर उतर आए हैं, जनता से इनका विश्वास उड़ चुका है, इसीलिए ये विधायक के तोड़ने में लगे हुए हैं। खेला तो जनता करेंगे, हम लोग जनता मालिक के भरोसे खेला करने की बात कर रहे थे। खेला तो जनता करेंगे। अभी भी बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि आपके कई विधायक टूटने वाले हैं, सभी लोग लाइन में हैं, आप लोग रोकेंगे उनको लाइन में? हम सीधा बात जानते हैं, किसी को जाने वाला को कोई रोक नहीं सकता है, किसी को मन को कोई पकड़ नहीं सकता है, लेकिन जाने वाला का हिसाब 10 चल जाए या 15 चल जाए, जाने वाला का हिसाब आने वाले समय में जनता मालिक करेंगे। आप लोग रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं अपने विधायकों को? आपके विधायक के करके जा रहे हैं। हम लोगों को रोकने का कोशिश नहीं, जो लोग उस ढंग के लोग हैं वह जाएंगे ही। कोई लोभ से जाता है, कोई डर से जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह के धमकी देकर, केस में फंसाने का बात लेकर, तरह तरह के बात लेकर हम लोगों को, विधायक को तोड़ा जा रहा है। कहा जाने लगा है कि धीरे धीरे करके आपका कुनबा खाली हो जाएगा। खिलौना बीजेपी के जनता मालिक पकड़ा देंगे, वह हम लोगों क्या खिलौना पकड़ाएंगे। हम लोग जनता के जन समर्थन से इस धरती पर खड़ा है। खिलौना इस बार बिहार के जनता मालिक लोकसभा और विधानसभा पकड़ा देंगे। खरीदा जा रहे हैं आखिर विधायक कैसे हैं जो खरीदा जा रहे हैं? डर से या भारतीय जनता पार्टी के लोग को जनता जनता से विश्वास उठ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग डरपोक हैं, जो विधायक को तोड़ने का काम कर रहा है। आगे चुनाव है, दम है तो चुनाव में चले। तो डर से तो आप भी खरीदा जाइएगा। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता राजीव मोहन पटना से जुड़ गए हैं। राजीव, तो ये बड़ा झटका आरजेडी के लिए, हालांकि आरजेडी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कि लोभ से, डर से बीजेपी का दामन थामा जा रहा है। देखिए, इससे पहले भी 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए थे। उस दौरान जो है मुरारी गौतम, जो कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने कहा था कि और भी विधायक हैं जो भाजपा के कनेक्शन में हैं या एनडीए के कनेक्शन में हैं, वो आ सकते हैं और कह सकते हैं कि उनके बातों का ये एक छोटा सा पानगी है कि सामने आया है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है के जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं या महागठबंधन के जो विधायक हैं, वो असंतुष्ट हैं, अपने नेतृत्व से असंतुष्ट हैं। और इस ये बात कहते हुए अब तक कह सकते हैं महागठबंधन के लगभग कुल 7 विधायक जो है पाला बदल चुके हैं, जिसमें 2 कांग्रेस शामिल हैं और 5 राष्ट्रीय जनता दल के शामिल हैं जी। तो ये पाला बदलने का सिलसिला जारी है और एक तरह से ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल है या महागठबंधन के और भी दल के जो विधायक हैं, वो अपने नेतृत्व से संतुष्ट हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरोप लगाया जा रहा है महागठबंधन की ओर से, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने भी ये कहा कि
ये खरीद फरोख्त हो रही है। राबड़ी देवी ने विधानसभा में आकर कहा कि खरीद फरोख्त किया जा रहा है, सीबीआई ईडी का धमकी दिया जा रहा है और इसी कारण विधायकों को इसी आधार पर चुना जा रहा है। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन जिस समय नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए थे उस समय तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में अभी खेला बाकी है और इधर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया था कि जिस खेल की बात तेजस्वी यादव ने की थी उनको जवाब दिया जा रहा है। सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि उन्हें जो खेला की बात करते हैं उन्हें खिलौना दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये बातें चल रही है। बिल्कुल राजीव, झटका है आरजेडी के लिए अगर इस तरह से विधायक बीजेपी में शामिल होंगे फिर क्या होगा आरजेडी का। वैसे भी महागठबंधन भी हम देख रहे हैं वो भी टूट के कगार पर दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो विधायक भारत बिंद ने पाला बदल लिया है, बीजेपी का दामन थामा है। आरजेडी विधायक है भारत बिंद जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब बीजेपी के विधायक वो बन चुके हैं, तो भभुआ से आरजेडी विधायक हैं जो कह रहे हैं। तो आरजेडी के नेता विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डर से, भय से या फिर लोभ से ये सभी विधायक अब बीजेपी के खेमे में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आगे क्या होगा आरजेडी के बाकी विधायकों का, क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कितने और सदस्य पाला बदलते हुए दिखाई देंगे देखना होगा। तेजस्वी यादव का नेतृत्व किस तरह से इन विधायकों को रोकने में कामयाब होगा ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती अब तेजस्वी यादव के लिए होने जा रही है। जिस तरह से हमने देखा है एनडीए की सरकार बिहार में बन चुकी है, तेजस्वी यादव के लिए ये चुनौतियां अब बढ़ती हुई। और एक और बड़ी खबर बेंगलुरु से, जहां पर दा रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ है। विस्फोट में 5 लोग घायल हो गए हैं। कैफे में धमाके की जांच की जा रही है। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल है। बेंगलुरु से ये बड़ी खबर, दा रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ है, विस्फोट में 5 लोग घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर बेंगलुरु से, दा रामेश्वरम कैफे जिसमें धमाका हुआ है, कैफे में धमाके की जांच की जा रही है आखिर क्या कुछ वजह रही है, लेकिन इसमें 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया है। बंगलुरु से बड़ी खबर, जहां पर दा रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ है, 5 लोग इसमें घायल हो गए हैं। ये विस्फोट कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है, क्या कुछ वजह रही इसके पीछे। कैफे में धमाके की जांच अभी जारी है। बंगलुरु का दा रामेश्वरम कैफे है ये, जिसमें अचानक धमाका हुआ है जिसमें 5 लोग घायल होना बताए जा रहे हैं। बंगलुरु के दा रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ, किन कारणों से धमाका हुआ है ये अभी जांच की जा रही है। विस्फोट में 5 लोग घायल हो गए हैं। बंगलुरु से बड़ी खबर, जहां पर कैफे में धमाके की जांच जारी है तो 5 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। बड़ी खबर झारखंड से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर हैं। विपक्षी गठबंधन पर पीएम मोदी का वार, इंडी गठबंधन जनता के खिलाफ, पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने जीएमएम पर निशाना भी साधा। झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्षी गठबंधन पर पीएम मोदी का वार, पीएम मोदी ने जेएमएम पर निशाना साधा, इंडी गठबंधन को जनता के खिलाफ भी बताया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जेएमएम पर निशाना साधा और इसके साथ साथ जो इंडी गठबंधन है उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। झारखंड दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर झारखंड वासियों को कई सौगातें उन्होंने दी है। वहीं विपक्षी गठबंधन को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा, इंडी गठबंधन जनता के खिलाफ है ये कहा उन्होंने। इसके साथ साथ जेएमएम पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, तमाम योजनाओं की सौगात आज झारखंड वासियों को दी गई। वहीं विपक्षी गठबंधन को लेकर पीएम मोदी ने वार किया और कई सवाल भी दागे। इंडी गठबंधन जनता के खिलाफ है ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, जेएमएम को लेकर निशाना साधा। मोदी आपके लिए जो भी योजना बनाता है ये इंडी गठबंधन वाले उसका विरोध करते हैं या फिर उसमें अड़ंगे डालते हैं। कोरोना काल में हमने
मुफ्त राशन की योजना शुरू की, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। इंडी गठबंधन वाले चाहते हैं कि मुफ्त अनाज देने वाली योजना बंद कर दी जाए। आप मुझे बताइए भाई, गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, गरीब का बच्चा पेट भरने के बाद ही सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? क्या गरीब की सेवा मोदी को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये इंडी गठबंधन वाले कितना ही दबाव बना ले, लेकिन। और आइए आपको सीधे ले चलते झारखंड, जहां पर पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। पता है कि हमारी सरकार की दिशा सही है, नीतियां सही है, निर्णय सही है, और उसका मूल कारण नीयत सही है। साथियों, आज यहां पश्चिम बंगाल के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट, उसका उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इनमें रेल, पोर्ट, पेट्रोलियम और जल शक्ति से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। हमारा प्रयास है कि पश्चिम बंगाल में रेलवे का आधुनिकीकरण उसी रफ्तार से हो जैसे देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, उनमें जाड़ग्राम सलगाजरी तीसरी लाइन से रेल परिवहन और बेहतर होगा। इससे क्षेत्र के उद्योगों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सौंडलिया, चंपापुकुर और डानकुनी बट्टनगर बाल्टीकुटी रेल रूट, इस पर दोहरीकरण भी किया गया है। इससे उस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बेहतर होगी। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और इससे जुड़ी 3 और योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस पर भी केंद्र सरकार 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। साथियों, यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको सीधे ले चलते हैं झारखंड, जहां पर पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। यात्री सुविधाओं का विस्तार और रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास तेज गति से हो, पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में वर्षों से रुके पड़े कई रेलवे प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। 10 साल में बंगाल के 3000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पश्चिम बंगाल के करीब करीब 100 रेलवे स्टेशन, आप कल्पना कीजिए, एक साथ 100 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है।
तारकेश्वर रेलवे स्टेशन को भी अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में 150 से ज्यादा नई ट्रेन सेवाएं शुरू की गई है। 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस बंगाल के लोगों को रेल यात्रा का बिल्कुल नया अनुभव करा रही है। साथियों, मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के सहयोग से हम विकसित भारत का संकल्प भी पूरा करेंगे। एक बार फिर बंगाल के लोगों को आज की परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सरकारी कार्यक्रम अब यहां समाप्त होगा और मैं 10 मिनट के भीतर भीतर खुले मैदान में जा रहा हूं। खुले मैदान का मजा भी कुछ और होता है। बहुत सारी बातें आज मुझे कहनी है, लेकिन उस मंच पे कहूंगा। लेकिन विकास के इन सारी योजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बाहर बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार। तो आप सुन रहे थे पश्चिम बंगाल के आरामबाग से प्रधानमंत्री मोदी को, जिन्होंने कई परियोजनाओं की आज शुरुआत की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।